नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट है, चैप्टर नंबर 9 है, पेज है 99। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सनलाइट इज़ ऑफन कॉल्ड व्हाइट लाइट। सनलाइट को अक्सर हम क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट ही बोलते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है, जो होती है व्हाइट लाइट होती है जो डिफरेंट कलर्स का कम्बिनेशन होती है। वी कैन सी दीज कलर्स इन रेनबो, हम रेनबो में मे बी आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम जो व्हाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर फैलती है तो उसमें रेनबो में देख सकते हैं। दीज कलर्स आर कॉल्ड रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, ठीक है। जिस कलर में डिस्पर्स हो रही है, फैल रही है व्हाइट लाइट, वो कौन से कलर्स हैं, वो ये कलर्स हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। वी कैन ऑल्सो स्प्लिट द व्हाइट लाइट इन टू इट्स कलर बाई पासिंग इट ऑल थ्रू द प्रिज्म। प्रिज्म के जरिए, ठीक है, जो ग्लास होता है उसके ज़रिए हम व्हाइट लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में डिस्पर्स कर सकते हैं। द बैंड ऑफ सेवन कलर्स ऑब्टेन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ द व्हाइट लाइट, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये प्रिज्म है, जब इसमें व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो इस प्रिज्म में पास होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये व्हाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर्स में क्या हो जाएगी, ठीक है, पास हो जाएगी, ठीक है, डिस्पर्स हो जाएगी। रेड है, ऑरेंज है, येलो है, जिसमें सबसे लीस्ट एंगल होता है, कम एंगल होता है, वो होता है रेड कलर का, ठीक है। सबसे बड़ा एंगल होता है वो होता है वायलेट का, इसलिए जो रेड कलर है सबसे ऊपर होता है, जो होता है वायलेट कलर होता है वो सबसे नीचे होता है। आफ्टर रिफ्लेक्शन जो सबसे लार्जेस्ट एंगल होगा होगा वायलेट का होगा, लीस्ट एंगल होगा रेड कलर का। एंड स्प्रेडिंग ऑफ वाइट लाइट इन टू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। वाइट लाइट का अपने ही कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में उसका डिस्पर्स होना, फैलना, ये कहलाता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। यानी कि जो वाइट लाइट है, जो वाइट कलर है, ये डिफरेंट कलर्स से मिलकर बना हुआ है, इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन है ये डिफरेंट कलर्स में क्या होता है, डिस्पर्स होता है, फैलता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डस वाइट लाइट गेट डिस्पर्स, कैसे है जो वाइट लाइट है कैसे डिस्पर्स होती है, कैसे फैलती है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ प्रिज्म, जब कि लाइट की बीम को, एक रे को एंटर करेंगे इस प्रिज्म में, ऑल द कलर्स ऑफ द वाइट लाइट रिफ्लेक्ट एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो वाइट कलर है वो डिफरेंट कलर से मिलकर बना हुआ है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन है डिफरेंट कलर क्या होंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। इट कॉजेज द वाइट लाइट टू स्प्लिट इन टू इट्स कंपोनेंट्स कलर। रेड लाइट बैंड द लीस्ट, सबसे जो कम एंगल होता है वो होता है रेड कलर का होता है। एंड वायलेट लाइट बैंड द मोस्ट, जो वायलेट लाइट है वो ज़्यादा डिस्पर्स होगी, ज़्यादा फैलेगी, क्योंकि इसका एंगल क्या होता है, लार्जेस्ट एंगल होता है। ये सब फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, वाइट लाइट है तो प्रिज्म में पास होने के बाद जब वो बाहर में रिफ्लेक्ट हो रही है तो क्या हो रहा है, जो सबसे ऊपर कलर आ रहा है वो क्या है, रेड है, सबसे लास्ट में कलर आ रहा है वो है वायलेट कलर है। इट्स मीन कि यहाँ पर हम नॉर्मल लाइन ड्रा करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लीस्ट एंगल बन रहा है वो रेड का बन रहा है, जो बड़ा एंगल बन रहा है वो वायलेट कलर का बन रहा है। तो जो रेड कलर है इसका एंगल लीस्ट है, तो वायलेट का एंगल क्या है, लार्जेस्ट है, इसलिए तो लीस्ट और लार्जेस्ट एंगल दरमियान में जो बाकी तमाम कलर्स हैं इनके बिटवीन आएंगे, जैसे ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू, इंडिगो, ये वो कलर्स हैं जो रेड और वायलेट के बिटवीन डिस्पर्स होंगे। पेज नंबर है 100 है, टॉपिक है रेनबो फॉर्मेशन, के रेनबो कैसे बनती है। अ रेनबो इज़ द नेचुरल डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, जो रेनबो है ये आपके पास कुदरती तौर पर रिफ्लेक्शन के एग्जांपल है, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, ठीक है, लाइट के डिस्पर्स होने की, रिफ्लेक्ट होने की, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं जहाँ पर आपके लाइट रेज हैं वो किसी भी प्रिज्म में से टकराने के बाद सेम मीडियम में वापस मुड़ जाए, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। When white light of the sun passes through any tiny raindrop, ठीक है, जो वाइट लाइट सन की होती है रेनी डे में किसी भी बारिश कतरे से जो टकराती है, सस्पेंडेड आफ्टर रेनफॉल अ रेनबो मे अपीयर, दे रिफ्लेक्ट एंड रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड सेपरेट इट इंटू अ डिफरेंट कलर्स। मीन के जो आपके पास होती है रेनबो बनती है उसमें सनलाइट है किसी भी क्लाउड से ये बारिश कतरे से जब उसे टकराती है, टकराने के बाद सेम मीडियम में जो वापस मुड़ती है बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो वाइट कलर है वो डिफरेंट कलर्स में क्या होता है, फैल जाता है, उसको बोलते हैं रेनबो। मीन के इसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जो रेनबो बनती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें आपके पास क्या होता है, जो आपके पास इंस्टेंट होती है, जो इंस्टेंट एंगल होती है उसका एंगल क्या होता है, बड़ा होता है,
ठीक है, जो कि वह क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, जहाँ पे रे है सपोज आपके पास एक मीडियम है, ये वाटर ड्रॉप है, ठीक है, यहाँ से रे जा रही है, रे जाने के बाद है सेम मीडियम में, इसी मीडियम में वापस साथ में बिल्कुल पैरेलल बेंड करे, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। बेंड करने के बाद है जो ये आपके पास है वो सेम मीडियम में वापस मुड़ जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो बड़ा हो और रिफ्लेक्शन क्या हो छोटा हो जाए, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बाय यूजिंग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है जो हमें रेनबो है हमें नज़र आती है। तो आगे पढ़ते हैं, द कलर स्कीम ऑफ द रेनबो इज़ द सेम एज द स्पेक्ट्रम मेड बाय द प्रिज्म। जैसे प्रिज्म में हमने वाइट लाइट को पास किया तो वाइट लाइट है डिफरेंट कलर्स में फैल गई, इसी तरह है जो रेनबो है उसमें क्या होता है, जो आपके पास क्लाउड्स हैं या वाटर ड्रॉप है वो भी एज अ प्रिज्म एक्ट कर रहा है, ठीक है। जब उसमें सूर्य रोशनी पड़ेगी तो क्या करेगा, उस रोशनी को डिफरेंट कलर्स में फैला देगा, तो एज अ प्रिज्म एक्ट करता है। सिंस द रेड कलर बेंड्स द लीस्ट एंड वायलेट कलर बेंड द मोस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं, जो होता है रेड कलर होता है उसका एंगल कम होता है, इसलिए कम डिस्पर्स होता है, जो होता है आपके पास है वाइट कलर है उसका एंगल बड़ा होता है, इसलिए वो ज़्यादा एंगल से डिस्पर्स होता है फैलता है। सो इन द रेनबो द रेड कलर अपीयर्स एट द टॉप एंड द वाइट कलर अपीयर्स एट द बॉटम, ठीक है। तो रेड कलर एंगल कम है तो वो टॉप पर नजर आएगा, जो वाइट कलर है वो नॉर्मल से वो हमें दूर नज़र आएगा, बॉटम पर नज़र आएगा, क्योंकि उसका एंगल क्या होता है बड़ा होता है। द अदर कलर्स अपीयर इन बिटवीन दी दीज टू कलर्स, ठीक है। जो बाकी कलर्स हैं रेड है ऑरेंज है ब्लू है इंडिगो है, वो तमाम के तमाम कलर्स के होंगे हमें रेड और वाइट के बिटवीन नज़र आएंगे।